वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं सभी लोगों से आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये वीडियोस यदि आप 2023 या 2024 का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये APS यूनिवर्सिटी MP मतलब कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करने वाला हूं, उसकी यूनिवर्सिटी के ये पेपर मेरे पास आया हुआ है और ये पेपर BSc सेकेंड ईयर वालों का है। जूलॉजी का सेकंड पेपर है। ठीक है, ये 2022 का पेपर देख रहे हैं आप सभी लोग। यदि 2023 या 2024 का पेपर देने वाले हैं तो आप प्रीवियस ईयर को पेपर को इस तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और एक मेरा न्यू चैनल अभी खुला है, मतलब अभी हाल ही में हमने एक न्यू चैनल खोला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ। याद रखिए, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खिलाड़ी भैया XYZ। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ठीक है, काफ़ी दिन पहले का है लेकिन उसका नाम मैंने अभी चेंज किया है और आप सभी लोग उस पर इंटरटेनमेंट की वीडियोस को देखेंगे, मतलब कि आपको जो फूड चैलेंजेस वाली वीडियोस आती है उसको वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। थोड़ा कंपटीशन वाली वीडियोस वहाँ मिलेंगी आपको देखने के लिए। थोड़ा आप उस चैनल को सपोर्ट करना, और उस पर गिब्बे भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं अभी हाल ही में, तो अलग अलग होंगे सबके, आपको एक पब्लिश किया जाएगा उस पर। कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, अब यहाँ बात करने वाले हैं जूलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में। तो आप देख रहे हैं पूरा पेपर 40 नंबर का था, 13 नंबर यदि आप लाते हो तो पास हो जाते हो। ये कह रहा है कि 13 नंबर ले आते हो तो पास हो जाते हो। वही बात की जाए सेक्शन नंबर ए की, तो सेक्शन नंबर ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन है और आप 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ पहुँच जाते हैं नीचे और यहाँ देखिए ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया है श्वसनीय ऊतक का लक्षण क्या होता है, नाक और बड़ा क्षेत्र वगैरह, ये तो ऑप्शन नंबर एक राइट होगा इसमें। ठीक है ना, मतलब यह कह रहे हैं जो श्वसनीय ऊतक होता है उसका लक्षण क्या होता है वो पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बोला गया है, देखो ये बच्चे ने टिक लगाए हुए हैं कुछ, तंत्रिका आवेग का जो कुंद व्यवहार संचालित होता है वो किस चीज़ से होता है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है। वही मैं बात करूँ आपके सामने, देखो प्रतिकार धारा गुणक तंत्र संचालित होता है तो किस चीज़ से होता है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनकी मैं राइट लगा दूंगा लेकिन अभी मैंने चेक नहीं किया है। और यहाँ बात की जाए, देखो यहाँ बोला गया है जो स्थानीय में दूध श्वसन जो संश्लेषण होता है, मतलब जो स्तन होते हैं, जो दूध होते हैं, जिसको हम दूध भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जो स्तनों में स्तन मतलब कि जो दूध वगैरह जिसे बोलते हैं सिंपल तरीके से, जिससे दूध निकलता है वही को दूध बोलते हैं, में दूध संश्लेषण को प्रेरित करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, तो आप उस हार्मोन्स का नाम यहाँ बोल एक्सप्लेन करना था। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है वो दृष्टि जो बैंगनी पाया जाता है, तो कह सकता है दृष्टि बैंगनी पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है वो पूछा गया है, किसमें बैंगनी दृष्टि पाई जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ आपके चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस तरीके से MP यूनिवर्सिटी के पेपर बना है। ये MP यूनिवर्सिटी का पेपर है, ध्यान से देख लीजिएगा। सेक्शन नंबर बी में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं और पाँच को यहाँ बोला गया है 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको 3 नंबर के हिसाब से। कह रहा है इकाई में 1 प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आपको देख लीजिए 3 नंबर के हिसाब से 5 क्वेश्चन करना है। जैसे कि इकाई नंबर 1 आ गया यहाँ, तो यहाँ देखो बोला गया है जो कह सकते हैं जो हैमवर्क था उसकी क्रिया के बारे में या फिर तंत्र का संचारी के बारे में आप बता सकते हैं क्या है, इन दोनों में से एक करना है क्वेश्चन। यूनिट नंबर 2 में आपसे पूछा गया है उत्सर्जी जो दृष्टि होती है उसका पदार्थ के प्रकार पूछा गया है, या फिर यहाँ देखो गर्भधारण के दौरान जो हार्मोन्स के कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पूछा गया। और यहाँ देखो कोएंजाइम आ गया है, कोएंजाइम के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के 4-5 प्रयोग बता दीजिए, 4-5 विटामिन के बारे में बता दीजिए। यूनिट नंबर 4 में यहाँ मांसपेशियों के कह सकते हैं संकुचन का सिद्धांत आपसे पूछा गया है, यदि आप ये नहीं जानते तो यहाँ देखो फेरोमोन क्या होता है, फेरोमोन के बारे में बता सकते हैं। इकाई नंबर 5 में यदि जाते हैं तो यहाँ देखो थायराइड ग्रंथि का विकास कैसे हुआ है, थायराइड ग्रंथि के विकास के बारे में, या फिर आप ये ना करना चाहें तो यहाँ देखो देखो मैसोनी जो प्रजननी होती है उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2022 में शॉर्ट में पूछे गए थे। अब हम लॉन्ग में जाते हैं, लॉन्ग में किस टाइप के क्वेश्चन बने थे आप ध्यान से देख लेना। यहाँ बोला गया 2 नंबर के 10 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, आपको 20 नंबर दिए जाएंगे ये बोला गया है। 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ सिंपल तरीके से बोला गया है विभिन्न कशेरुकी सिद्धांत समूह में पाए जाने वाला श्वसनीय जो रंग कणिकाओं के रासायनिक संगठन का वर्णन करना है, या फिर आप ये क्वेश्चन ना करना चाहें तो आप स्तन जो स्तनीय होते हैं मतलब जैसे कह सकते हैं में उत्सर्जन के
जो कार्कीय का वर्णन करना है और उनकी तुलना का वर्णन, मतलब मेरा मतलब ये है जो मेमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, उनके जो दूध होते हैं, जो जिससे मिल्क निकलता है, दुग्ध निकलता है, उस स्तनी बोलते हैं, उनके बारे में आपको बताना था। क्या उस सर्जन के कार्य से वर्णन करना, ये फिर स्तन कह सकते हैं, ठीक है, स्तनों के बारे में। और यहाँ देखो बोला गया हार्मोन्स के कार्य कैसे होते हैं उनके बारे में पूछा गया, और इसकी क्रिया विधि क्या होती है, हार्मोन्स के कारण की क्रिया विधि के बारे में। ये था 2022 का पेपर, मैंने आपको जो पूरा पेपर दिखाया है। एक क्वेश्चन जो रह गया था वो ये देख लीजिए, विभिन्न किशोरिकों के जो कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि नाम से भी जाना जाता है। ये भ्रमणीय विकास का तुलनात्मक वर्णन है, ये आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको 2022 में आने वाले क्वेश्चन दिए थे जिससे आप 85% प्लस लाओगे। आप हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको ही याद करके जाया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। और जो दूसरा हमारा न्यू चैनल जो अभी हमने लॉन्च किया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।